स्वागत बंधन। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के काव्य खंड को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं काव्य खंड कविता के बाहर है और आज हम जिनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे वह है कुंवर नारायण। ठीक है, इनके परिचय, जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे और उनके द्वारा रचित कविता के बहाने इसकी भी पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए, जैसे कि यहाँ पर इनके द्वारा रचित कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित कविता के बहाने और बात सीधी सी पर आज हम कवि परिचय पढ़ रहे हैं। जन्म 19 सितंबर 1927, मृत्यु 15 नवंबर 2017। जीवन परिचय, कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को हैदराबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा, इन्होंने इंटर तक की शिक्षा विज्ञान वर्ग से की थी। प्राप्ति और साहित्य में रुचि होने के कारण उन्होंने 1951 में अंग्रेजी में एमए और लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। व्यक्तित्व, हिंदी के सम्मानित कवियों में गिने जाने वाले कुंवर नारायण जी की प्रतिष्ठा और आदर हिंदी साहित्य की भयानक गुब्बाजी से परे सर्वमान्य है। कला की विभिन्न विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले रसिक विचारक के समान कुंवर जी को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखने के लिए जाना पड़ता है। ये पूरी तरह नागर संवेदना के कवि, रचनाएं काव्य संग्रह चतुर्व्यूह तीसरा सप्तक हम तुम आप अपने सामने को दूसरा नहीं, खंडकाव्य आत्मजयी, कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले और मेरे साक्षात्कार आदि, भाषा शैली संस्कृत, उत्तर भारत के स्थानीय बोलियां फारसी अरबी जैसी इस्लामी भाषाओं के अलावा अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व उनकी भाषा द्वारा भारतीय सामाजिक संरचना के हर आयाम के लिए किए गए गहरे औपनिवेशिक हस्तक्षेप में है। आधुनिक हिंदी साहित्य की खड़ी बोली, विचारों में खुलापन, भाषा और विषय की विविधता कविताओं के विशेष गुण है। संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता कविता के 20 शब्द हैं। अब आता है साहित्य में स्थान। 2009 में वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन से पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित देश के सबसे बड़े साहित्य सम्मान से और साहित्य अकादमी सम्मान कुमार आशान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कवि सम्मान, अंतरराष्ट्रीय प्रेमियों फेरेनिया सम्मान और 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर सबसे पहली जो उनकी कविता है, कविता के बहाने। कुंवर नारायण जी की कविता कविता के बहाने के माध्यम से यांत्रिक युग में कविता के अस्तित्व को लेकर उठ रही अनंत आशंकाओं को मिथ्या साबित करते हुए कहते हैं कि कविता कभी हृदय की भावनाओं और कल्पनाओं की उड़ान है, जिसे अनंत आकाश में उड़ने वाली चिड़िया भी नहीं जान पाती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, जबकि कवि की कल्पना की उड़ान जो है कैसी है, असीमित है। वही दूसरी ओर उन्होंने फूलों की खुशबू से कविता की समता की है। फूल को एक दिन क्या है, मुरझाना ही पड़ता है, किंतु जो कविता की महक अर्थात मानव दिलों में उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता है। बच्चों के खेल स्थान की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, उसी प्रकार कविता के शब्दों में प्रकृति के जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य आदि समाहित होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कविता के बहाने जो हम कुंवर नारायण जी की रचना पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है कि कवि का जो कविता है, कैसे जैसे बच्चों के खेलने के स्थान निर्धारित नहीं है, उसी प्रकार कविता में शब्द प्रकृति के जड़ चेतन अतीत वर्तमान भविष्य आदि क्या होते हैं, सभी समाहित होते हैं। इस प्रकार फूल तो मुरझा जाएगा, लेकिन कविता की जो महक है वो मानव दिल में उसका प्रभाव कभी कम नहीं होता। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप सबसे पहले जो उनकी रचना में जो कविता है वह है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया।
सबसे पहली जो कविता मैंने आपको बताई क्या कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने चिड़िया क्या जाने। तो ये सबसे पहली उनकी जो कविता है, देखिए चलिए आइए शब्दार्थ समझते हैं। भीतर यानी अंदर, माने होता है अर्थ, जैसे हम कहते हैं इसके माने, इस प्रकार से माने, तो उसका अर्थ होता है अर्थ। मायने या निहार, निहितार्थ यानी अर्थ, मायने या निहितार्थ, माने का। अब यहाँ पर है संदर्भ और प्रसंग दोनों भी इसमें आते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं संदर्भ कि प्रस्तुत संदर्भ, देखिए आप लोग समझिएगा। सबसे पहले से संदर्भ, संदर्भ होता है कि कहाँ से कविता, किस पुस्तक से या उस कविता का नाम क्या। प्रसंग यानी जो उस कविता में दिया होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह में संकलित कविता यानी कविता के बहाने से अवतरित है। इसके जो रचयिता है कुंवर नारायण जी है। प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत कवितांश में कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ानों की तुलना करते हुए चिड़िया की उड़ान को क्या कहा, सीमित, जबकि कविता की उड़ान को क्या कहा, असीमित बताया है। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में इन्हीं कविताओं से आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो चिड़िया की जो उड़ान की तुलना, कविता और चिड़िया की उड़ानों की तुलना करते हुए चिड़िया की उड़ान को क्या कहा है, सीमित, और कविता की उड़ान को क्या कहा है, असीमित बताया गया। चलिए व्याख्या समझते हैं। कविता कवि कविता की असीम संभावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि कविता की कल्पना की उड़ान कैसी है, असीमित, उसका कोई पार नहीं है, इसलिए इसके लिए वह चिड़िया की उड़ान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और क्या कहता है कि चिड़िया खुले आसमान में उन मुक्त उड़ान भरती है। जो चिड़िया है वो खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरती है, किंतु उसकी उड़ान की अपनी क्या है, सीमा है। अगर कितनी भी उड़ान भर ले, लेकिन फिर भी उसकी उड़ान की क्या होती है, सीमा होती है। एक क्षेत्र और एक समय के बाद उसकी वो क्या हो जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसे जमीन पर उतरना ही होता है। देखिए जैसे कि इसमें बताया कि चिड़िया कितनी भी, उसकी एक सीमा है, मतलब उड़ते उड़ते उसको फिर जमीन पर उतरना ही पड़ता है। दूसरी ओर कविता की उड़ान का जो दायरा है वो कैसा है, अत्यंत विस्तृत या यूं कहें कि असीमित है। किसका दायरा, कविता का, कैसा है, असीमित है और विस्तृत। चिड़िया अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर तक उड़ती फिरती है, किंतु कवि अपनी कविता के माध्यम से भावों की उड़ान की अनंत यात्रा तय करता है। ठीक है, चिड़िया अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर उड़ती फिरती, परंतु कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से भावों की, अनंत की जो भावनाएं हैं, वह अनंत यात्रा तय करती है। एक कवि अपनी कविता में कल्पना के पंख लगाकर कहां तक और कब तक उड़ सकता है, इसका अनुमान सीमित उड़ान वाली चिड़िया भला कैसे लगा सकती है, जिसकी उड़ान कैसी है, सीमित है, तो वो कैसे अनुमान लगा सकती है। वास्तव में कविता और चिड़िया की उड़ान में कोई भी तुलना संभव ही नहीं, कोई उसमें संभव नहीं है उनकी तुलना करना। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। तो इस पद्यांश में उनको ये समझ में आया कि जो चिड़िया की उड़ान है सीमित है, और जो कविता की उड़ान है वो कैसी, अत्यंत विस्तृत है, क्योंकि सीमित उड़ान वाली असीमित चीज को भला कैसे जान पाती, अर्थात चिड़िया उसको नहीं समझ पाती। तो इस प्रकार चिड़िया की उड़ान में कोई तुलना संभव नहीं है कविता और चिड़िया की उड़ान में। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे, यहाँ पर कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से आगे बताया गया। काव्य सुंदर, कविता की असीमित संभावनाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा, कल्पना की उड़ान कैसी है, सीमा रहित होती है कल्पना की उड़ान। और चिड़िया कहलाने में प्रश्नालंकार है, प्रश्न है,
इसे नाटकीयता, इसमें इससे क्या होगा, इस प्रकार चिड़िया कहलाने में प्रश्न अलंकार है और उसमें नाटकीयता, इससे इसमें क्या है, इससे नाटकीयता आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो कविता है वह है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के मन, फूल क्या जाने फूल क्या जाने। ये कविता शब्दार्थ समझते हैं, महकना यानी सुगंध को विकीर्णा, चारों तरफ सुगंधित वातावरण या सुगंध विकीर्णा महकना, संदर्भ जैसे कि पहले पूर्व में कहा गया, मैंने बताया कि क्या किस उससे उद्धृत है, इसकी रचयिता कौन है, इसकी कवि कौन है, कविता में अब प्रसंग यहाँ बदल जाता है, क्योंकि जब जो बदलती है कविता उसमें थोड़ा प्रसंग बदल जाता है। अब इन पंक्तियों में कवि ने कविता और फूल की मनोरम तुलना की, कविता में कवि ने कविता और फूल, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था चिड़िया की सीमितता और कविता की असीमितता, है ना। अब हम यहाँ पढ़े कविता और फूल की मनोरम तुलना की, कैसे, चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। कवि कविता की अपार शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है कि कविता में फूलों के खिलने का वर्णन हो सकता है, उनकी सुंदरता कोमलता सुगंध के विधराव की चर्चा कविता में सरलता से की जा सकती है, परंतु कविता के खिलने का अर्थ भला फूल कैसे समझ सकता है, उसे तो खिलना है और अपनी सुगंध चहुं ओर फैलानी है किंतु शीघ्र ही मुरझा भी जाना है। देखिए जो फूल है उसको क्या है, खिलना है और अपनी सुगंध चारों तरफ फैलानी है तो शीघ्र क्या है, मुरझा भी जाए। वही दूसरी ओर जो कविता है कैसे बिना मुरझाए अंदर बाहर इधर उधर इस घर उस घर भाव रूपी अपनी महक से सदैव बिखेरती रहती है, अपनी महक को क्या करती रहती है, भाव रूपी अपनी महक को, कौन क्या जो कविता होती है ना वो मुरझाती नहीं है, वो अंदर बाहर इधर उधर सब जगह अपनी भाव रूपी महक को सदैव बिखेरती रहती है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि क्या कहना चाहता है, आगे बढ़ते हैं, कि घर उस घर भाव रूपी अपनी महक को सदैव बिखेरती रहती है। कवि कहना चाहता है कि जिस भी वस्तु का जन्म हुआ है भले ही वह पुष्प ही क्यों ना हो, उसे एक दिन समाप्त होना है, किंतु कविता कैसी है, अविनाशी। कविता क्या है, अविनाशी, एक बार उसका सृजन होने के बाद वह युगो युगों तक बिना प्रभाव ही हुए अपनी बात की सुगंध फैला सकती। कविता भी इस अनंत असीमित यात्रा का मान एक नन्हा सा कोमल पुष्प भला कैसे लगा सकता है। काव्य सुंदर कविता की अपार सामर्थ्य का वर्णन किया गया है, कविता फूल की मनोरम तुलना की गई है, कविता का प्रभाव चिरकाल और स्थायी रहता है, फूल क्या जाने में प्रश्नालंकार अनुप्राय अलंकार की भी दृष्टा है, कविता का मानवीकरण हुआ है, प्रसाद गुण और शांत रस विद्वान है, लाक्षणिकता का प्रयोग दर्शनीय है, भाषा कैसी सरल सहज सरस एवं भावाभिव्यक्ति के रूप में पूर्णतः सक्षम है, और गे न होते हुए के भी बहाने जाने माने जैसे तुकांत शब्दों से कविता प्रभावी बन पड़ी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर तीसरा है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर भीतर, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर भीतर, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब शब्दार्थ अत्यंत सरल, संदर्भ पूर्वक प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कुंवर नारायण ने कविता और बच्चों के मध्य के संबंधों का उल्लेख किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि कविता को अपने भावों में प्रकटीकरण हेतु किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो स्वभाव से ही बच्चों की तरह ही होती है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में अपना पराया सब कुछ भूल कर रह जाते हैं, उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सभी की बात कहती। कवि कहना चाहता है
कि जिस तरह बच्चे खेलते समय अंदर बाहर इस घर उस घर का भेद मिटाकर हर जगह इस प्रकार जैसे बच्चे खेलते समय अंदर बाहर इस घर उस घर का भेद मिटाकर हर जगह अपने खेलने के लिए क्या कर लेते स्थान बना लेते, उसी प्रकार कविता भी अपने विषय के लिए भूत के वर्तमान के एवं भविष्य के प्रसंगों को प्रकट कर लेती है और प्रत्येक कालखंड के भावों के प्रकटीकरण में सक्षम होती है। कवि के अनुसार कविता की रचनात्मकता अतुलनीय होती है और उसमें असीम ऊर्जा नहीं रहती। कविता को किसी बंधन अथवा किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। चलिए आगे पढ़ते हैं। और उसमें असीम ऊर्जा निहित रहती है। कविता को किसी बंधन अथवा सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिस प्रकार बच्चों के उन्मुक्त स्वभाव स्वतंत्र विचारों को बंधन मुक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वह तो बच्चों की भांति बिना भेदभाव के सभी को समान मानते आंतरिक बाहरी अपनों के परायों के सभी के मनोभावों को क्या करती स्तर देती। वास्तव में कविता होने का बच्चों के स्वभाव मासूम गतिविधियों को देखकर सरलता से समझा जा सकता। काव्य सौंदर्य कविता की रचनात्मकता में असीम ऊर्जा छुपी होने की बात कही गई। कविता की बच्चों से मनोभावी तुलना की गई। कविता कभी भी किसी बंधन को नहीं स्वीकारती। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार की छटा है, प्रसार गुण है, लक्षण शब्द शक्ति के प्रयोग से गंभीरता आ रही है, प्रतीकात्मकता दृष्टि गोचर हो रही है, शांत रस विद्वान है, भाषा सरल सहज सरस आम बोलचाल की खड़ी बोली है। बहाने माने जाने जैसे प्रकार शब्दों से कविता में लयात्मकता आ गई है। इस प्रकार यहाँ पर हमने जो काव्य खंड में जो रचना पढ़ी वह नारायण जी की कविता के बहाने। आप लोग इसके जो अर्थ हैं प्रसंग हैं उसको लिखेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे और प्रश्नोत्तरों को भी तैयार इनके आगे के क्लास में प्रश्नोत्तर वगैरह पढ़ेंगे। धन्यवाद।